हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पीसीएमपीडिया। और पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 की सॉल्विंग देखी थी, और इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही देखेंगे। इसमें सारे के सारे जो भी क्वेश्चन होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही होंगे। हाँ, उनमें सब्सटीट्यूशन लग सकता है, बट बेसिकली जो मेन उनका जो फोकस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे है। सबसे पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो साइन स्क्वायर 2x + 5 dx है, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए, इस एक्सरसाइज में पहले हम कुछ ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन से पहले कुछ फॉर्मूलेस लिख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन भी हैं। तो वो क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइन 2x क्या चीज़ होती है। 2 sin x cos x बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर इसका हाफ एंगल हो जाए, साइन एक्स हो जाए खाली, तो हम इसको कुछ 2 sin x/2 और cos x/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ नहीं। और जो बहुत कॉमन फार्मूला है, cos 2x = cos²x - sin²x। जो दूसरा फार्मूला है वो यहीं से आता है। अगर यहाँ पे 1 - sin²x रख देंगे तो 1 - 2 sin²x 2 cos²x - 1। और एक जो 10 की फॉर्म में वो है 1 - 10²x / 1 + 10²x। ये कुछ फार्मूलेज हैं जो बहुत कॉमन है। इनमें से ये दो फार्मूलेज cos²x के बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में पावर्स आएगी ट्रिग्नोमेट्री की और हमें उसे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बिना पावर वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले हमारे पास sin²(2x + 5) है। अब हमारा जो काम है सबसे पहला वो इस पावर को कम करना है, रिड्यूस करना है, वो इस वाले फॉर्मूले से हो सकती है। अगर हम ये वाले आइडेंटिटी को देखें तो कैसे, लेट्स से मैं इसको इस चीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक्स खाली एक्स है और इसमें पूरा का पूरा ये वैल्यू एक्स है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस, या फिर ऐसा समझ सकते हैं sin²(2x + 5) कैन बी रिटन एस। इसको इस जगह पे अगर मैं पुट करता तो क्या चीज आता, ये बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता और 1 - cos(2x + 5) और ये वाला 2 भी था तो ये पूरा का पूरा 2 यहाँ पर आ जाता। मतलब हम इस चीज को इसके बराबर लिख सकते हैं इजीली। तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कैसे, वो बहुत इजी है, इसका इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है, बट इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास पावर है। इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, 2 अभी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos थीटा बन जाएगा, जिसका कि sin थीटा होता है। तो कैसे इंटीग्रेशन होगा, 1/2 - cos(2x + 5) यहां पर भी हाफ अलग अलग कर लीजिए, और dx हाफ dx अलग से भी लिख सकते हैं, ताकि ये लीजिए ये अलग हो गया, ये वाला हाफ इसके साथ आ गया, इसको 4x + 10 ऐसे लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं इसे इस तरीके से लिख लूं, 1/2 dx - ½ cos(4x + 10 dx), तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके इंटीग्रेशन तो हमने बहुत करें, cos थीटा का क्या होता है sin थीटा। अब इसका तो हाफ एक्स और इसका माइनस हाफ, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा sin 4x + 10 और इस एंगल का होगा तो वो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, जो कि इसका कोफिशियंट है। देखिए, ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से नहीं आ रहा समझ में प्लस सी, तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन। कैसे, लेट 4x + 10 = t, 4dx = dt, सो dx = dt/4। फिर इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी आप थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग करेंगे तो ये चीज़ सेट हो जाती है। और ये देखिए, 4 वही है, ये वाला 4 वही है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन x की फॉर्म में ही है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ½ x - 1/8 sin 4x + 10 + c फाइनल आंसर है, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x cos 4x dx, ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए, अगर यहां पर साइन थीटा
कॉस थीटा, दोनों सेम एंगल होते तब तो टू से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके काम चल जाता, लेकिन अब तो नहीं चल पाएगा क्योंकि साइन थीटा और कॉस फाई दोनों अलग अलग एंगल हैं। इसके लिए जो हमें फॉर्मूला समझना पड़ेगा वो है, आपने 11th में देखा होगा, टू साइन ए कॉस बी, इस चीज का फॉर्मूला। तो इसका क्या फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, आपको ये यूज करना है इस क्वेश्चन में, तभी तो दो पार्ट्स में अलग अलग हो जाएगा, ये एक साइन का ये आ जाएगा और एक साइन में ये आ जाएगा, इन दोनों का इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा बट इसका इंटीग्रेशन तो नहीं हो पाएगा, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या है, टू से डिवाइड और टू से ही मल्टीप्लाई करना। अब टू साइन ए कॉस बी कैसे करेंगे, हाफ साइन थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस साइन थ्री एक्स माइनस फोर एक्स, और ये पूरा का पूरा कर्ली ब्रेसिस में डी एक्स, क्योंकि हाफ भी है ना। अब इस खाली इसके आगे डी एक्स लगा दिया ये छूट गया, इसके आगे लगा दिया ये छूट जाएगा, तो हाफ साइन सेवन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि साइन माइनस थीटा अगर हो तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। या अब यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अगर गलती से लगा दिया तो वापस से यही आ जाएगा, तो वो नहीं करना है। अब ये इंडिविजुअली अलग अलग हो चुके हैं तो इनको इंडिविजुअली अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से, माइनस हाफ साइन एक्स डी एक्स आ गया। ये क्या है, हाफ इसका क्या होता है, कॉस सेवन एक्स लेकिन माइनस में, और ये सेवन कहाँ जाएगा, ये तो डिनोमिनेटर में आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं इसके आगे, बट क्यों टाइम वेस्ट करना, हाफ कॉस एक्स लेकिन माइनस में तो प्लस हो जाएगा और नीचे वन आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, सो प्लस सी। तो क्या बन गया फाइनली, कॉस सेवन एक्स अपॉन फोर्टीन प्लस हाफ कॉस एक्स प्लस सी, वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स कॉस सिक्स एक्स डी एक्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो आइडेंटिटी लगाने वाले हम वो भी सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे हमने लगाई टू साइन ए कॉस बी वाली, इसमें कॉस ए कॉस बी, तो हमें बेसिकली इसमें दो बार आइडेंटिटी लगानी है, एक बार इसके लिए और एक बार फिर जो इससे आएगा और इसके बाद जो मल्टीप्लाई होगा फिर उसमें, तो हमें दो बार एक ही आइडेंटिटी लगानी है। वो आइडेंटिटी क्या है, टू कॉस ए कॉस बी, इसका क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वही काम है, टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना। ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत सारे क्वेश्चंस में टू से डिवाइड मल्टीप्लाई करना बहुत कॉमन चीज है। इतने पोर्शन को अगर मैं देखूं, सो अब कैसे करना है, हाफ अगर मैं इसमें आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ये आ जाएगा कॉस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस कॉस टू एक्स माइनस फोर एक्स, और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा कॉस सिक्स एक्स से, पहला स्टेप। अब कॉस सिक्स एक्स प्लस कॉस टू एक्स, क्योंकि कॉस अगर माइनस में भी आए एंगल तो प्लस ही रहता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। नाउ हाफ कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस कॉस टू एक्स कॉस सिक्स एक्स डी एक्स, अब क्या करना है, फिर से टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो यहीं पे टू और यहां पे टू, तो वन अपॉन फोर टू कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस टू कॉस टू एक्स कॉस सिक्स एक्स डी एक्स। इसमें फिर से एक बार आइडेंटिटी लगेगी टू कॉस है कॉस बी की, और इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो है कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये वाली इसमें लगेगी, ये वाला पोर्शन दिख रहा है प्लस वन, तो मतलब कॉस टू इंटू सिक्स एक्स प्लस वन, किस तरीके से लिखेंगे,
वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन ऑफ, इतने का इस जगह पर रखेंगे, ये वन इधर आएगा तो कॉस टू इंटू सिक्स एक्स प्लस वन, प्लस इसमें लिखेंगे तो कॉस टू एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस कॉस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स एंड डी एक्स। तो ये अब पूरा का पूरा क्वेश्चन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुका है। नाउ इसको हम अब कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वन अपॉन फोर कॉस ट्वेल्व एक्स प्लस वन प्लस कॉस एट एक्स प्लस कॉस फोर एक्स डी एक्स, ये आ चुका है इतना पार्ट। अब ये भी डी एक्स के साथ, ये भी डी एक्स के साथ, ये भी डी एक्स, ये सब अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि वन अपॉन फोर को बाहर ही रहने देते हैं। यहाँ पे साइन 12x अपॉन 12, यहाँ पे x, यहाँ पे साइन 8x अपॉन 8 और यहाँ पे साइन 4x अपॉन 4, ये बन चुका है इसका इंटीग्रेशन। अब इसमें हम थोड़ा बहुत जो कॉमन लेना वो सब भी कर सकते हैं, बट इसमें कोई फ़ायदा है नहीं, कॉमन लेकर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 4 कॉमन आएगा, इट्स नथिंग। सो दैट्स द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। देखिए अगर साइन की पावर 1 थी वो तो हमें पता ही है, साइन की पावर 2 थी वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कर लिया, अब साइन का क्यूब आ चुका है। अब साइन का क्यूब कैसे होगा, देखिए आप इसको अब दो तरीकों से सोच सकते हैं। पहला, डायरेक्ट वो चीज करी जाए जिसमें कि साइन क्यूब आता हो। साइन क्यूब किस में आता है, साइन 3x के फॉर्मूले में आता है जिसमें कि ये फॉर्मूला है, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसमें एक ही जगह पर क्यूब वाली वैल्यू आती है, बाकी दोनों जगह पावर 1 रहती है। तो एक तरीका तो ये है जो सबसे बेस्ट है, बेसिकली डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ जाएगा इससे। एक तरीका ये भी है कि हम इसको साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स में बांटे, फिर साइन स्क्वायर एक्स की जगह वो कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला वो रखें, या फिर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखें, उससे भी कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा ये वाला है, हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि डायरेक्ट लग रहा है। तो इसको कैसे रखना है, साइन क्यूब टू एक्स प्लस वन इस जगह पर रखिए, तो एक्स की जगह पर हर जगह पर टू एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, साइन क्यूब टू एक्स प्लस वन को अगर डायरेक्ट रखना है तो साइन थ्री, ओके ऐसे ही कर लीजिए, टू एक्स प्लस वन ये इधर आ जाता माइनस में, थ्री साइन टू एक्स प्लस वन और ये माइनस फोर पूरा का पूरा नीचे चले जाता, ये लीजिए, दिस इज व्हाट यू वांट। इसको एक जगह पर रखा, बाकी सबको दूसरी जगह भेज दिया, इसको उल्टा कर लीजिए ताकि ये प्लस में आ जाए, थ्री साइन टू एक्स प्लस वन, वन अपॉन फोर बाहर लिख लेता हूँ, माइनस, अब क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना तो ये तो कटा ना, तो ये तो माइनस में ही आएगा, साइन सिक्स एक्स प्लस थ्री डी एक्स। हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। अब अगर मैं इस वन अपॉन फोर को अंदर मल्टीप्लाई कर देता तो क्या हो जाएगा, ये तो थ्री अपॉन फोर हो जाएगा, इस साइन का कॉस टू एक्स प्लस वन बन जाएगा, वो भी माइनस में, और टू एक्स प्लस वन की जगह टू जो कोफिशियंट है वो नीचे आ जाएगा, माइनस वन अपॉन फोर इधर भी आएगा, ये कॉस सिक्स एक्स प्लस थ्री बन जाएगा, इसका माइनस ये आया, ये सिक्स नीचे आया, बेसिकली माइनस थ्री अपॉन एट कॉस टू एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन सिक्स फोर जो 24 कॉस सिक्स एक्स प्लस थ्री प्लस सी इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, पावर सेम है, सबसे पहला काम साइन एक्स और कॉस एक्स को एक साथ लिख के पावर को बाहर लिख लीजिए, अब देखते हैं क्या होगा। इसमें जो आइडेंटिटी लगने वाली है, साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स तो दिख रहा है क्वेश्चन में, टू नहीं दिख रहा है, सिर्फ टू से मल्टीप्लाई करना है, कैसे होगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स क्यूब में लिख लो, अब टू का क्यूब हुआ है ना तो वन अपॉन एट
क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 1 अपॉन 8 एंड डी एक्स, ये तो साइन 2x ही बन गया, होल क्यूब 1 अपॉन 8 डी एक्स। अब साइन क्यूब थीटा सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो चुका है, डायरेक्ट ही फॉर्मूला रख देते हैं। क्या था एक बार आइडेंटिटी को फिर से देख लीजिए, यहाँ पर साइन क्यूब 2x रखना है और बाकी सारी जगह 2x और वो 4 नीचे, तो सेम टू सेम इस क्वेश्चन को 1 अपॉन 8 तो बाहर ही रहने दीजिए, ये साइन क्यूब 2x है तो इसको अगर डायरेक्ट रखने की कोशिश करता तो कुछ ऐसा बन जाता 3 अपॉन 4 साइन 2x माइनस 1 अपॉन 4 साइन 6x एंड डी एक्स, ये बन जाता डायरेक्ट। इसको आगे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 3 अपॉन 32 और अंदर आ जाएगा साइन 2x डी एक्स एंड माइनस 1 अपॉन 32 साइन 6x डी एक्स, अलग अलग कर लिया। सो ये तो 3 अपॉन 32 कॉस 2x अपॉन 2 वो भी माइनस में, तो यहाँ पे माइनस का क्या बन जाएगा, ये माइनस ही रहने देते हैं, ये हो गया कॉस 6x अपॉन कॉस इसका माइनस, ये बन गया प्लस में। सो 3 अपॉन माइनस में 64 कॉस 2x प्लस कॉस 6x अपॉन 6 2 जा 6 3 जा 18 19 प्लस सी, ये हमारे पास जो कि फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, साइन x साइन 2x साइन 3x dx, इससे ऊपर भी हमने जस्ट ऐसे ये क्वेश्चन करा, कॉस की फॉर्म में थे वो तीनों के तीनों, ये साइन की फॉर्म में तीनों के तीनों, क्या करेंगे एक बार इसमें लगाएंगे, फिर जो इनसे कुछ प्रोडक्ट आएगा इसके साथ उसका रिलेशन करेंगे। तो बेसिकली जो इसमें जो लगने वाला है वो क्या है, 2 साइन ए साइन बी, ये कब होता है जब कॉस ही हो, इसे ऐसे लिख लीजिए कॉस ए माइनस बी एंड माइनस कॉस ए प्लस बी, से ये लीजिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके ताकि थोड़ा इजी रहे। ये है जो सिंगल इसमें पूरे में आइडेंटिटी लगेगी जैसे ऊपर लगी थी। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहला काम तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, हाफ 2 साइन एक्स साइन 2x और मल्टीप्लाई में साइन 3x dx, ये जस्ट ब्रैकेट ऐसे ही लगा दिए ताकि दिखे कि ये चीज पहले सॉल्व हो रही है। सो हाफ साइन साइन आइडेंटिटी कॉस के फॉर्म में, तो कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस एक्स माइनस 2x मतलब कॉस माइनस एक्स आना चाहिए था लेकिन कॉस एक्स आएगा क्योंकि माइनस थीटा कॉस थीटा में कॉस थीटा ही दे देता है, फिर माइनस का साइन आएगा कॉस एक्स प्लस 2x 3x इंटू साइन 3x dx। अब हाफ ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा कॉस एक्स साइन 3x माइनस कॉस 3x एंड साइन 3x dx। देखिए ये है कॉस ए साइन बी और ये है कॉस ए साइन ए, दो आइडेंटिटीज एक साथ लगने वाली है, 2 कॉस ए साइन बी, अगर ऐसा हो तब क्या लगता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और जब ऐसा हो कॉस ए साइन ए, ये तो साइन 2a ही होता है, ये दो काम इसमें होने वाले हैं हम डायरेक्ट। सो हाफ पहले 2 से मल्टीप्लाई और वो करने वाला वो सारा सिस्टम, 2 cos x sin 3x माइनस 2 cos 3x sin 3x एंड dx। ओ मैं थोड़ा क्वेश्चन करते करते खो गया, वीडियो नहीं देखी मैंने। 2 cos a sin b sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो sin x प्लस 3x 4x माइनस a माइनस बी, वो भी साइन में है तो साइन x माइनस 3x क्या होना चाहिए माइनस 2x, माइनस में बाहर आ जाता है साइन में, और ये साइन 2 इंटू 3x तो कि साइन 6x dx, ये हमारे पास है जो कि अल्टीमेटली बन चुका है।
अब सारे के सारे इंडिविजुअली हो चुके हैं तो अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1/4 भारी रन दीजिए, इसका कॉस ये लिख लीजिए माइनस में, इसको कॉस 2x/2 लिख लीजिए, इसे काट देते हैं, माइनस में कर लेते हैं डायरेक्ट, और इसे प्लस में कर लीजिए कॉस 6x/6 प्लस सी। कॉमन लेने की कोई ज़्यादा खास जरूरत है नहीं, सिंपल था क्वेश्चन बहुत। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, देखिए अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं पता है या फिर आइडेंटिटीज पे ज़्यादा आपकी पकड़ नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस करने में। अब साइन ए साइन बी, इस क्वेश्चन में तो कुछ वो भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 2 sin 4x sin 8, ओके 2 sin a sin b, क्या आइडेंटिटी लगेगी 2 sin a sin b, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है इस तरीके से लिख लीजिए। इसकी बहुत सारी बुक्स में जो आइडेंटिटी आप देखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखी हुई रहती है कि माइनस टू के फॉर्म में लिखी हुई रहती है, तो इसे इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास अब डायरेक्ट इस चीज को रखा जा सकता है, 1/2 cos 4x - 8x, तो क्या बन जाएगा वो 4x, वैसे माइनस 4x आना था बट 4x ही रहेगा, cos 12x dx, यही चीज आएगी हमारे पास। 1/2 cos 4x का क्या होगा sin 4x/4 - sin 12x/12 + c, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos x 1 + cos x dx, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो आइडेंटिटीज एक साथ लगेंगी लेकिन एक ही फॉर्मूले की है, cos 2x = 1 - 2 sin² x, ये आपने पढ़ा है और आपने ये भी पढ़ा है 2 cos² x - 1, तो अगर आप एक बार 1 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, मतलब 1 + cos 2x आपका होता है 2 cos² x, और इससे 1 - cos 2x होता है 2 sin² x, एक चीज ये है और एक चीज ये है। अब देखिए आपने यहां पे 2x है तो यहां पे x आ रहा है, जब 2x है तो x आ रहा है, जब x होगा तो फिर क्या आएगा x/2, मतलब हाफ एंगल जा रहा है उधर, तो क्या बन जाएगा आइडेंटिटी 1 - cos x की 2 sin² x/2 2 cos² x/2 dx, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 से 2 कटा है, tan² x/2 dx आया, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पहले भी करा है कि tan² θ तो नहीं हो सकता, तो इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कौन सी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, 1 + tan²θ = sec²θ होता है, तो tan²θ sec²θ - 1, ये लिखना पड़ेगा इसे, sec²x/2 - 1 dx, ये करना पड़ेगा। अब sec²θ का क्या होता है tan θ, और इस x/2 के लिए इसका कोफिशियंट हाफ है तो वो नीचे आ जाएगा हाफ, सब्स्टिट्यूशन में ये चीज समझी जा सकती है कैसे आ रही है हाफ नीचे, इस एक्सरसाइज में नहीं समझा रहा हूं। सो 2 tan x/2 - x + c, यहां पर भी, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, cos x/1 + cos x, हमने एक इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में भी करा था, बस उसमें नीचे साइन था, उसमें नीचे साइन था तो हमने इस पूरे को माना या कॉस बन गया, अगर यहाँ कॉस होता है यहाँ पे साइन तो फिर सब्स्टिट्यूशन में पहुंच जाता, अब यहाँ पे दोनों जगह कॉस कॉस है तब कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन में ऐसा करा जा सकता है कि हम डिनोमिनेटर की तरह से बनाने की कोशिश करते हैं जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन में कर ही रहे हैं, सो ऐसा कर लेते हैं cos x + 1 - 1, यही तो करेंगे सबसे पहला काम। अब ऐसा कर लीजिए, इसको एक पार्ट में इंडिविजुअल और इसको एक पार्ट में अलग कर लीजिए, तो 1 + cos x / 1 + cos x dx - dx / 1 + cos x, तो ये तो कट के 1 आ गया है, इसका मतलब इसको इंटीग्रेशन ऑफ dx भी लिख सकता है डायरेक्ट, और ये dx/, और इससे पिछले वाले पार्ट में 1 + cos x जब था क्या वैल्यू थी उसकी, 2 cos² x / 2, ये वैल्यू थी, अब इसका तो x ही हो गया,
इसका देखिए हाफ तो बाहर निकाल लीजिए, इसको ना पहले, हाँ पहले sec स्क्वायर में एक फॉर्म में लिख लीजिए, sec स्क्वायर x अपॉन टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अभी अभी आपने पीछे कराए, x माइनस हाफ टेन x अपॉन टू, और इसका कोफिशेंट भी जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, वन अपॉन फोर टेन x अपॉन टू प्लस सी। एंगल को मत भूल जाइएगा, वन अपॉन फोर इस तरीके से, वन अपॉन टू कब जा रहा है, टू कब आ रहा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये sec स्क्वायर x अपॉन टू हुआ, और तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पर ये वन अपॉन टू होगा, डिनोमिनेटर में वन अपॉन टू आएगा, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये कुछ नहीं बचेगा, ये हाफ के नीचे हाफ आएगा, तो हाफ से हाफ तो कटना ही था, तो वो गलती से मैंने टू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये है। नाउ क्वेश्चन नंबर टेन, साइन की पावर फोर एक्स डी एक्स, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, और अब साइन की पावर फोर एक्स भी आ चुका है, तो साइन की पावर फोर एक्स करना ना इजी तो है, थोड़ा सा दो बार मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा लेंथी हो जाता है, और कुछ नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इसे इस तरीके से लिख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस टू एक्स की फॉर्म में लिखिए, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का हमने वैसे ही करा था, तो किस फॉर्म में, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, ये बनेगा कैसे, क्योंकि कॉस टू एक्स होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को एक जगह पे छोड़ा जाएगा अगर, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, यही चीज बन जाएगी। अब वन अपॉन टू कॉस टू एक्स अपॉन टू ऐसा भी समझ सकते हैं, या फिर इसको वन अपॉन फोर पहले ही बाहर निकाल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू कॉस टू एक्स डी एक्स, यही आएगा। अब देखिए इतना तो इजी है, ये हो गया, ये हो गया, ये दिक्कत कर रहा है बस, इसकी जगह पर एक और बार क्या आइडेंटिटी लगाएंगे, कॉस टू एक्स की, लेकिन टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब देखिए अब यहाँ पे डबल एंगल है, तो यहाँ पे चार हो जाएगा 4x, जब यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर चार होगा तो यहाँ पे दो ही तो होगा, तो यहाँ पे हमको दो तो चाहिए, तो यहाँ पे चार हो जाएगा, तो किस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, वन अपॉन फोर तो बाहर ही रहेगा, वन का वन ही रहने दीजिए अभी, इसकी जगह पे वन प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन टू, ये लिख लीजिए, ये वन प्लस सिंपल है, माइनस टू कॉस टू एक्स डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, वन अपॉन एट इसे एलसीएम ले लीजिए, टू प्लस वन प्लस कॉस फोर एक्स माइनस टू टू जा फोर कॉस टू एक्स, ये चीज़ आ गई। यहाँ से मैंने एलसीएम लिया, ये वन अपॉन वन है, ये भी वन है, पूरे का एलसीएम लिया, अब ये तो थ्री हो गया, इसे तो थ्री लिख दीजिए, इसे कॉस फोर एक्स ही लिखे रहने दीजिए, इसे फोर कॉस टू एक्स ही लिख दीजिए अभी, और अब इन सब का इंटीग्रेशन अलग 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 हो जाएगा। तो किस तरीके से होगा, वन अपॉन एट तो यहीं पे आ गया, पहले वाले का थ्री एक्स, दूसरे वाले का साइन फोर एक्स अपॉन फोर, तीसरे वाले का साइन टू एक्स, फोर तो है ही, और टू इसका नीचे आएगा, टू टू जा फोर, थ्री अपॉन एट एक्स प्लस साइन फोर एक्स, एट फोर जा थर्टी टू, माइनस ये टू ऊपर है तो ये वन अपॉन फोर साइन टू एक्स प्लस सी, ये है फाइनल आंसर।